तो बेटा एपी में हमने थर्ड वाली एक्सरसाइज को कवर कर रहे थे, और थर्ड वाली एक्सरसाइज में हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था लेक्चर में वो था क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन हमारा अपडेट हो चुका था, और आज हमें 12th क्वेश्चन से जो है वो अपडेट करना होगा। तो एक बार पढ़िए 12th वाला क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। आसान सा क्वेश्चन है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो यहां पर तो हमें n पहले से ही गिवन है, n 40 होगा, a और d हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम 6 से डिवाइड होने वाले जो फर्स्ट 40 इंटीजर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स उनको लिस्ट करेंगे। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होगा दैट इज 6, इसके बाद क्या होगा 12, इसके बाद क्या होगा 18 एंड सो ऑन। बस काफी है इतने। तो 6 से डिवाइड होने वाले जो पॉजिटिव इंटीजर्स थे इन इंटीजर्स को हमने लिस्ट कर लिया। n हमें मालूम है 40 होगा, फर्स्ट टर्म दिख रही होगी, कॉमन डिफरेंस देख तो नहीं रहा है, निकाल देंगे, लेकिन t2 माइनस t1 करेंगे, कॉमन डिफरेंस जो है वो 6 आ जाएगा। तो ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर हैं और इनका हमें सम निकाल देना है। इसके लिए Sn का फॉर्मूला लिखो, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, n की वैल्यू को रिप्लेस करो, a रिप्लेस करो, d रिप्लेस करो। मुश्किल है क्या क्वेश्चन? कितना सिंपल क्वेश्चन है यार ये, तो ना स्टार्टिंग बहुत सिंपल हो रही है आज। तो यहां पर हम वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं, n की वैल्यू हमने लगाई है 40, और 2a का मतलब है ये 12 हो जाएगा, और 40 माइनस 1 हो गया 39 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस जो यहां पर है 6। तो सिंपल सॉल्व कर लो, या 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर लो। वैसे यहां पर 40 भी कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो इसे ही कर दे रहे हैं, 20 आ जाएगा। 12 प्लस कितना आ रहा है बताओ बेटा, ये 234। बस ऐड करो, मल्टीप्लाइड बाय 20 इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा पूरा सॉल्व करने के बाद आएगा 4920। क्लियर? एक सिंपल सा क्वेश्चन कवर किया है। आगे मूव करें बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये भी वही क्वेश्चन है जो अभी करा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल का सम हमें फाइंड करना है। तो 8 के जो मल्टीपल हैं इन सभी मल्टीपल को आप लिस्ट करो। सबसे पहला मल्टीपल 8 होगा, इसके बाद होगा 16, इसके बाद होगा 24 एंड सो ऑन। तो ऐसे यहां पर टोटल मल्टीपल कितने हैं 15, तो n कितना हो गया 8 है, और क्योंकि 8 के मल्टीपल है तो कॉमन डिफरेंस भी 8 ही आएगा। अगेन Sn का हम यहां पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। n का मतलब है यहां पे 15 टर्म का सम निकालना है, तो ये हो जाएगा n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1। n माइनस 1 का मतलब है 15 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस d। इस ब्रैकेट से 2 कॉमन निकालकर ये कैंसिल आउट कर लो, तो मिलेगा 15 इंटू 8 प्लस 14 इंटू 4, क्योंकि यहां से हमने 2 कॉमन निकाल दिया था, तो ये केवल 4 रह जाएगा। बाकी आप लोग को सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। नाइन सिक्स जीरो, फाइनल आंसर इज 960। सिंपल क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे हम. फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50. तो 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर है, इन ऑड नंबर का हमें सम निकालना है. अब यहां पर हमें n गिवन नहीं है, अभी तक तो हमें n गिवन था, यहां पे हमें n निकालना पड़ेगा. तो बिटवीन का मतलब होता है इनके बीच में, और वैसे भी दोनों ऑड तो है नहीं, तो इनके बीच में जो फर्स्ट ऑड नंबर होगा वो कौन सा होगा, और ऐसे ही लास्ट ऑड नंबर कौन सा होगा, 49 होगा. सो फर्स्ट ऑड नंबर 1, उसके बाद 3, 5, सो n, एंड द लास्ट ऑड नंबर इज 49. A और D क्लियर है सभी को बेटा? A इज 1, D इज 2. नंबर ऑफ टर्म नहीं मालूम है हमें, इस बार हमें नंबर ऑफ टर्म नहीं मालूम. तो नंबर ऑफ टर्म को निकालने के लिए हमने यहां पे Tn का यूज कर लिया है, और Tn होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D. इसमें a को रिप्लेस करिए, d को रिप्लेस करिए, a इज 1, d है 2, 49. ठीक है बेटा, 1 को यहां पे ले जाना, 48 बनेगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो n कितना आएगा, 25. अब हमने n निकाल लिया, इसका मतलब है इनके बीच में जो ऑड नंबर होंगे वो 25 होंगे. तो इन सब का सम निकालने के लिए अब हम सम के दूसरे वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, यहां पर Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस l. हमने दूसरे फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्यों करा, क्योंकि यहां पे हमें लास्ट का मालूम है जो 49 है, n 25 हो गया, ए दिख रहा है, डी दिख रहा है, सारी वैल्यू को लगा दो बेटा, इसका आंसर बता देना मुझे, फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जाता हूं. 625 लो बेटा, ठीक है. तो फाइनल आंसर जो बताया बेटा वो कितना आएगा, 625. ओके, आगे बढ़ जाएं, आसान. हाँ आ गया बेटा, आसान क्वेश्चन है, नहीं है बताइए. 15th क्वेश्चन पढ़िए. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज. 200 रुपीज फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे, द पेनल्टी फॉर ई सक्सेडिंग डे बींग रुपीज 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज. तो यहां पर कंडीशन ये दे रखी है, कंस्ट्रक्शन जॉब जो है वो एक पर्टिकुलर लिमिट के आगे अगर बढ़ जाता है या डिले हो जाता है तो पेनल्टी लगाई जाती है. पेनल्टी कैसे लगाई जाती है, फर्स्ट डे अगर डिले हो जाएगा तो उसके लिए पेनल्टी है 200 रुपीज, दो दिन डिले होगा 250 रुपीज, उसके बाद 300 रुपीज, एंड सो ऑन. तो इसका ये मतलब है हर एक डे जो पेनल्टी होगी वो कितने कितने रुपीज इंक्रीज हो रही है, 50 रुपीज इंक्रीज हो रही है. तो कॉन्ट्रैक्टर को कितना पे करना पड़ेगा पेनल्टी के फॉर्म में अगर वर्क 30 डे डिले होता है. क्लियर? तो एक पर्टिकुलर डेट के आगे अगर वर्क डिले होगा तो इतनी इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी. फर्स्ट डे मतलब पर्टिकुलर डे के बाद जो फर्स्ट डे आएगा वो पेनल्टी उस कंडीशन में 200 है, उसके बाद 250 और ऐसे बढ़ती जाएगी. तो जितनी भी यहां पर पेनल्टीज हैं, जैसे फर्स्ट डे के लिए जो पेनल्टी है वो है 200 रुपीज, तो अगर जितनी भी यहां पे पेनल्टीज हैं सभी को अगर हम यहां पे लिस्ट कर दें ऐसे 200, 250, 300 एंड सो ऑन, तो यहां पर हमने जितनी भी पेनल्टीज थी इन सब को लिस्ट करा है, और ये एक एपी को फॉर्म कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट टर्म जो है दैट इज 200 एंड द कॉमन डिफरेंस 50 रुपीज का है.
हमें हमें यहां पर फाइंड क्या करना है, वर्क अगर 30 डे डिले होता है तो पेनल्टी की फॉर्म में कितना अमाउंट देना पड़ा, कितना मनी देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, यहां से लेकर यहां तक हम सभी को लिखें 30 बार और जोड़ दें। मतलब हम सिंपली यहां पर एपी का फॉर्मूला लगा दें। इसके लिए हमने क्या यूज कर लिया, एस 30 का यूज कर लिया और इसका फॉर्मूला होता है वही बड़ा वाला एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। क्लियर हो गया बेटा, एन तो हमें दे रखा है ना 30 डेज, अगर वर्क डिले होता है तो कितनी पेनल्टी को फॉर्म करना पड़ेगा, एन 30 हो गया। ए क्लियर है, डी क्लियर है, अप्लाई करके निकालो उसका आंसर। यहां पर ये कैंसिल आउट हो जा रहा है वैसे, और इसे सॉल्व करके आ जाएगा कितना पेनल्टी की फॉर्म में पे करना पड़ेगा। ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज। देख लीजिएगा बेटा, आंसर सभी का आ रहा नहीं है। हो रहा है मैच आंसर, आगे मूव करें फिर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज्ड टू गिव इन 7 कैश प्राइस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ईच प्राइस इज रुपीज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, टोटल जो प्राइस मनी जो डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी और कितने कैश प्राइस दिए जा रहे हैं, यहां पर 7 कैश प्राइस दिए जा रहे हैं स्टूडेंट को। तो टोटल अमाउंट जितना भी प्राइस का है वो हमें यहां पर दिया है 700 रुपीज के इक्वल, और कंडीशन ये दे रखी है हर एक प्राइस जो होगा वो पहले वाले प्राइस से 20 रुपीज कम होगा। तो अगर बेटा हमने यहां पर मान लो जो फर्स्ट वाला प्राइस है, फर्स्ट वाला जो प्राइस है अगर ये एक्स रुपीस का हमने मान लिया, तो सेकंड वाला जो प्राइस होगा उसका अमाउंट कितना होगा, 20 रुपीस कम हो गया। थर्ड वाला जो प्राइस होगा ये कितने का हो जाएगा, इसमें 20 और कम हो गया, यानी एक्स माइनस 40। तो इस तरह से 7 कैश प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, हर एक प्राइस पहले वाले प्राइस से 20 रुपीज कम होगा। ये पॉइंट क्लियर और नॉट, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर जितने भी ये 7 कैश प्राइस हैं सभी का अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद 700 मिलना चाहिए, यानी हमें S7 निकालना है और S7 को निकालने का फॉर्मूला है n बाय टू 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय द कॉमन डिफरेंस। अगर हम यहां पर कॉमन डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा, t2 माइनस t1 हाउ मच, ये तो बेटा वैसे भी इस वाले स्टेटमेंट से क्लियर है, हर एक प्राइस जो होगा वो पहले वाले प्राइस से 20 रुपए कम होगा, यानी कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालोगे कितना आना चाहिए, 20 माइनस का 20। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहां से ब्रैकेट से मैंने 2 कॉमन निकाला, ये वाले 2 को कैंसिल कर दिया तो ये रह जाएगा एक्स प्लस 6, और यहां से मैंने कॉमन निकाला था 2 तो ये रह जाएगा माइनस का 10, और इन सब का जो टोटल होगा वो है 700, ये भी 700। बताएंगे बेटा ये 7 से कैंसिल कर लो, यानी से 700 को, तो ये आ जाएगा माइनस 60, इधर आएगा प्लस 60, यानी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 160 रुपीज। तो हमें यहां पर फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस,
इस तरह से सभी प्राइस की वैल्यू को फाइंड करना था। फर्स्ट प्राइस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, 160 रुपीज। उसके बाद 20 रुपीज इसमें कम कर दो, यानी हो जाएगा 140। इसके बाद हो जाएगा 120, फिर हो जाएगा 100, फिर हो जाएगा 80, फिर हो जाएगा 60, उसके बाद हो जाएगा 40। क्लियर है? तो ये सभी 7 प्राइस की वैल्यू आ चुकी है। हर एक प्राइस प्रीवियस प्राइस से 20 रुपीज लेस था। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, वन मिनट बेटा अभी दिखाते हैं, लीजिए प्रीवियस पेज नोट कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। ठीक है, अच्छी बात है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, यहां से देखिए अब क्वेश्चन मिल रहा है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच स्टूडेंट ऑफ ईच क्लास विल प्लांट will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant one tree, section of class 2 will plant two trees and so on. ये clear हो गया point? मतलब हर एक class जो है उतने ही tree को plant करेगा जितना उसका class number है। जैसे class first जो होगा वो एक tree को plant करेगा ईस्ट सेक्शन, और ऐसे ही क्लास सेकंड जो होगा वो दो ट्रीज को प्लांट करेगा ईस्ट सेक्शन, और सो ऑन। जो क्लास 12th होगी वो 12 ट्री को प्लांट करेगी ईच सेक्शन। और हमें यहां पर दिया है देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ द ईच क्लास, हर एक क्लास में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शंस हैं। अब जैसे हम बात करें बेटा फर्स्ट वाले क्लास की, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास हो गई। अब इस फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन हो गए, मान लो ये 3 सेक्शन हो गए एबीसी। इसने एक ट्री को प्लांट करा, इसने एक को प्लांट करा, इसने एक को प्लांट करा, यानी कहने का मतलब है नंबर ऑफ ट्रीज फर्स्ट क्लास प्लांट, फर्स्ट क्लास कितने नंबर ऑफ ट्रीज को प्लांट करेगी, 1 into 3, सिंपली 3 कह सकते हैं। इसी तरह से अगर हम सेकंड क्लास की बात करते हैं, सेकंड क्लास में भी मान लीजिएगा अगर ये 3 सेक्शन हो गए एबीसी, हर एक सेक्शन जो है क्योंकि क्लास नंबर यहां पर सेकंड हो गया तो हर एक सेक्शन जो है वो दो दो ट्री को प्लांट करेगा। इस वाले सेक्शन ने 2 ट्री को प्लांट करा, इसने भी 2 को प्लांट करा, इस वाले सेक्शन ने भी 2 ट्री को प्लांट करा, तो यहां पर टोटल ट्री कितने प्लांट हुए, 3 into 2। हाँ, मैं 6 ही लिखूंगा एक्सप्लेन करने के बाद, लेकिन और ऐसे ही सो ऑन। अगर हम यहां पर थर्ड क्लास की बात करें, इसमें भी हमने मान लिया अगर 3 सेक्शन होंगे, हर एक सेक्शन जो है क्लास नंबर क्योंकि 3 है, 3 ट्री को प्लांट करेगा, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ ट्री यहां पर जो होंगे दैट आर 9। तो जितने भी ट्रीज यहां पर प्लांट किए गए हैं फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक, अगर हम इन्हें लिस्ट करें, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया एंड सो ऑन, तो हम देख सकते हैं ये एपी को बना रहे हैं। और अगर हम यहां पे चाहें तो लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, कैसे, जो क्लास 12 होगी वो एक सेक्शन 12 ट्री को प्लांट करेगा, क्लास 12 में भी 3 सेक्शन होंगे, यानी कितने ट्री प्लांट हो गए, 3 into 12, दैट इज 36। तो हमें यहां पर फाइंड क्या करना था, स्टूडेंट्स ने कितने ट्रीज को प्लांट करा, तो हर एक क्लास ने जितने जितने ट्री को प्लांट करा सबको हम ऐड कर दें, और ऐड करने के लिए यहां पर हम एपी का यूज कर लेंगे।
क्लियर है सब कुछ बेटा? एन का क्या मतलब होगा? नंबर ऑफ टर्म यहां पे कितनी है, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई, 12। ए यहां पे दिख रहा है कितना है, 3, और डी दिख रहा है, ओ सॉरी एल दिख रहा है लास्ट टर्म, दैट इज 36। तो यहां पर हमें 12 टर्म का सम निकालना है क्योंकि टोटल क्लास 1 से लेकर 12 तक है, तो एन हो जाएगा 12। उसके बाद a प्लस एल, ए इज 3 एंड एल इज 36, ये मैंने कैंसिल कर दिया। और इसके बाद जितने भी ट्रीज प्लांट किए गए हैं इन सब का सम यहां पर आ जाएगा, कितना आ रहा बेटा, बस केवल मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं तुरंत से बेटा। 17 के बाद ये रहा हमारे पास 18th वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इस तरह से है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5, 1.0, 1.5, 2 एंड सो ऑन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सर्किल। तो यहां पर एक स्पाइरल बनाया गया है और ये स्पाइरल कैसे बनाया है, सक्सेसिव सेमी सर्कल्स यानी सेमी सर्कल्स को बनाकर, जिनके सेंटर अल्टरनेटली ए पे होंगे, फिर बी पे होगा, फिर सी पे होगा, फिर डी पे होगा, एंड सो ऑन, जैसे यहां पे दिख रहा होगा। इस वाले ए सेंटर को लेकर ये वाला यहां पर एक सेमी सर्किल ऐसे करके बना दिया। उसके बाद अब बी सेंटर को लेकर ये वाला सेमी सर्किल ऐसे करके यहां पे बना दिया, क्लियर है? इसके बाद किसी और को सेंटर लेके एक और ये सेमी सर्किल बना दिया, फिर एक और दूसरा सेंटर लेकर एक और सेमी सर्किल बना दिया। तो इस तरह से जब हम ये सेंटर को चेंज करके सेमी सर्किल बनाते रहेंगे तो ये पूरा एक स्पाइरल बन जाएगा। हमें फाइंड करना है इस स्पाइरल की टोटल लेंथ कितनी होगी। आप देखिए टोटल लेंथ कैसे निकलेगी। फर्स्ट वाला जो सेमी सर्किल यहां पे बन रहा है, ये वाला इतना, इसकी लेंथ को L1 से डिनोट किया गया। दूसरा जो सेमी सर्किल बन रहा है, इसकी लेंथ ये रही बेटा L2। तीसरे वाले की लेंथ है L3। ऐसे ही L4 से लेकर कहां तक कितने सेमी सर्किल बने, टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्किल कितने बने, 13 बने। यानी अगर हम सभी सेमी सर्किल की लेंथ को निकालें और सभी की लेंथ को अगर हम यहां पर ऐड कर दें, तो ऐड करने के बाद क्या होगा, हमें पूरे स्पाइरल की लेंथ मिल जाएगी। आप समझ लेना, सेंटर ए को लेकर जो स्पाइरल बना उसकी रेडियस है 0.5, दूसरे सेंटर को लेकर जो स्पाइरल बना उसकी रेडियस है 1। ऐसे ही रेडियस सबकी चेंज होते जा रही है, पहले वाली की रेडियस थी 0.5, फिर 1 होगी, फिर 1.5 होगी, फिर 2 होगी, एंड सो ऑन। तो अब हम अभी करते हैं बेटा, क्या रहेगा सो नोट करने, बोलो। सही है 234। तो यहां पर बेटा जितने भी सेमी सर्किल बने सबकी लेंथ को हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले सेमी सर्किल की लेंथ को निकाल रहा हूं। सेमी सर्किल की लेंथ का मतलब हुआ सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस, जो कितना होता है, पाई इंटू आर। पाई बेटा भी ऐसे रहने दो, केवल हम यहां पर जो है वो रेडियस की वैल्यू लगाएंगे, पाई हम लास्ट में लगा। इसके बाद अगर हम सेकंड वाले सेमी सर्किल की लेंथ को निकालते हैं, सेकंड वाले सेमी सर्किल की लेंथ का मतलब हुआ L2, तो ये भी इसी फॉर्मूले से तो निकलेगा पाई आर, लेकिन यहां पर रेडियस कितनी दी है इसकी, 1। अगर हम यहां पर थर्ड वाले सेमी सर्किल की लेंथ को निकालें तो ये भी सेम, अगर आप चाहें तो यहां पर अलग अलग यूज कर सकते हैं R1, R2, R3। थर्ड वाला जो सेमी सर्किल है इसकी रेडियस कितनी दी है, 1.5।
तो ये हमने क्या करा, यहां पर जो सेमी सर्किल बने इन सब की लेंथ को अलग अलग निकाल दिया। अब हम फाइंड करेंगे टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल का क्या मतलब हुआ, L1 से लेकर L13 तक जितने भी स्पाइरल बने सबकी लेंथ को ऐड कर लो, L1, L2, L3 से लेकर लास्ट तक जितने भी स्पाइरल बने सबकी लेंथ को ऐड कर लो। तो बेटा यहां पर हम सारी वैल्यूज लगाएंगे, L1 की जो वैल्यू है ये कितनी है, पाई इंटू 0.5, L2 की वैल्यू है 0.1, मैं वही करूंगा स्टेप लिखने के बाद। तो ये हम सबको ऐड कर रहे हैं और इसके लिए हमने यहां पर पाई को कॉमन निकाला, तो पाई कॉमन निकालने के बाद यहां पे हमें मिलेगा 0.51, फिर इसके बाद 1.5 एंड सो ऑन, और ऐसे कितने स्पाइरल यहां पे बने हैं, 13 स्पाइरल बने हैं। तो हम देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक बेटा ये पूरा क्या बन रहा है, एपी बन रही है। टोटल नंबर ऑफ टर्न कितनी होंगी, 13 होंगी, क्योंकि दिया था 13 स्पाइरल हैं। तो हम इन सब का यहां पे क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, ठीक है। तो S13, पाई बिल्कुल बाहर है और फॉर्मूला होता है N/2, उसके बाद होता है 2 × a, N-1, 13-1, और कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा होगा इसमें 0.5 का है। इसे पूरा सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। अब पाई हम यहां पे लगा देते हैं, 22/7, 13/2, कितना मिल रहा बेटा, ब्रैकेट देखिए, 2 × 0.5 1 हो जाएगा, 12 × 0.5 6 हो जाएगा, 1 × 6 हो जाएगा 7, ओके। तो 7 से ये 7 कैंसिल आउट करो, 2 से इस 22 को कैंसिल आउट करो, अब तुम खुद ही मल्टीप्लाई कर लो, तो फाइनल आंसर आपको मिलने वाला है 143, बस यूनिट सेंटीमीटर लिख लो बेटा। तो इस तरह से क्वेश्चन कवर होगा, सबकी लेंथ को अलग अलग निकालकर हमें यहां पर ऐड कर लेना है। देखो बेटा 2 × 0.5 करोगे 1 मिलेगा, 12 × 0.5 करोगे 6 मिलेगा, 6 + 1 = 7, ठीक है। ये खुद मल्टीप्लाई करके देख लो, मैंने लिख दिया जल्दी से ना, आप इसे मल्टीप्लाई करना, इसे करना, तब दोनों को ऐड करना, इतना ही मिलेगा। कैलकुलेशन वाले जो स्टेप है वो आप अपने आप करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये आ रहा है करके, वो आप अपना खुद करके देखिए। हम आगे चलेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आ गया है बेटा 19, ये देखो 19th क्वेश्चन देख लो। और इस क्वेश्चन में क्या है भाई, ये हमें दिए हैं 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द, क्या कर दूं वैसे मेरे हिसाब से प्रॉपर है, ठीक है। तो यहां पर 200 लॉग्स दिए हैं, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। कैसे देखते हैं, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, सबसे बॉटम रो तुम्हें दिख रही होगी, यहां पे लॉग्स हैं 20, 19 इन द नेक्स्ट रो, उसके ऊपर वाली जो रो है उसमें 19 लॉग हो गए, फिर उसके ऊपर वाली जो रो है उसमें 18 लॉग्स हो गए, एंड सो ऑन। तो यहां पर हमें क्या बताना है, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, मतलब इन 200 लॉग को जब प्लेस किया गया तो कितनी रो बनेंगी, जैसे एक रो हो गई, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे करके कितनी रो यहां पे यहां बनेंगी, जिससे कि हम 200 लॉग्स को प्लेस कर सके। फिर हमें यह भी बताना है सबसे टॉप रो जो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे। सॉल्यूशन को देखिए, यहां पर हमने ये एज्यूम कर लिया इन 200 लॉग्स को एन रोज में प्लेस करा जाता है, यानी नंबर ऑफ रो को हमने एन मान लिया।
नंबर ऑफ रोज को हमने यहां पे एन मान लिया। अगर हमने नंबर ऑफ रो को एन मान लिया तो इसका क्या मतलब है, जो इन एन रो में, इन एन रो में जितने भी लॉग्स हैं इन सभी लॉग्स का सम कितना होना चाहिए बेटा, 200। यही तो दे रखी कंडीशन, क्योंकि एन रो में 200 लॉग को प्लेस करा जाता है। इसका मतलब है इन एन रोस में जितने भी लॉग हैं सबको अगर हम ऐड कर लें, सबका सम कर लें तो हमें 200 मिलेगा। अब हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला, एन तो हमें निकालना है, 2a। बताइए बेटा a क्या होगा, इसे जानने के लिए समझो, सबसे नीचे वाली जो रो थी इसमें नंबर ऑफ लॉग्स कितने थे 20, उसके बाद कितने हो गए 19, उसके बाद कितने हो गए 18 एंड सो ऑन। तो a का क्या मतलब है यहां पे, फर्स्ट टर्म जो होनी चाहिए 20, और इसके बाद n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d, कॉमन डिफरेंस यहां पर कितना आएगा, सक्सेसिव इसके ऊपर वाली रो में नंबर ऑफ लॉग कम हो रहे हैं, 19 माइनस 20 यानी कि माइनस का 1 इज इक्वल टू 200। अब ये सॉल्व करके दिखाओ यार जल्दी से, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो यहां पर ये आ जाएगा n अपॉन 20 से मल्टीप्लाई करा 40 और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा, माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 200। 2 को यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, 400 बना दूंगा, और ये आ जाएगा ब्रैकेट में n मल्टीप्लाइड बाय 41 माइनस n इज इक्वल टू 400। इसे भी मल्टीप्लाई कर दो, 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। फाइनल इक्वेशन बनेगी n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। और इसके जब आप फैक्टर बनाओगे तो इसके फैक्टर बनेंगे माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। क्लियर बेटा, जल्दी से फैक्टर बनाओ, n वगैरह जो भी कॉमन निकालते हो तुम निकाल के बताओ। n n की दो वैल्यू आ रही हैं, एक आएगी 16 एंड द अदर वैल्यू इज 25। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास बेटा n की दो वैल्यू आ गई, इन दोनों वैल्यू में से सही वैल्यू कौन सी होगी इसका पता लगाना जो हम अभी लगाने वाले हैं। देखिए इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सुनो अच्छी तरह से। अगर हम ये कह रहे हैं कि n 16 है, अभी कंफर्म नहीं हो हम कह रहे हैं, तो अगर हम कह रहे हैं n 16 है इसका क्या मतलब है, नीचे से अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल रोज कितनी बनेंगी, 16 बनेंगी। अगर हम कह रहे हैं n 16 है तो नंबर ऑफ रो हो गई 16। अगर t 16 को हम फाइंड कर रहे हैं तो बता सकते हैं t 16 क्या डिनोट करेगा। अगर हमने यहां पर t 16 को फाइंड, अरे तो हम सबको मालूम है t 16 का मतलब है 16 टर्म, लेकिन इस क्वेश्चन के बेसिस पर T16 क्या है ये मैं पूछ रहा हूं। T16 तो मुझे मालूम था बेटा 16 टर्म होती है। क्वेश्चन नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं पहले मुझे ये तो बताओ, यहां पर अगर हम T16 निकाल रहे हैं तो जो डेटा हमें मिलेगा, पहले निकालो यार इसे, चलो है पहले तुम यही निकाल लो, a प्लस 16 माइनस 1 यानी 15d हो जाएगा। a कितना है यहां पर 20, d कितना है बेटा माइनस 1, यानी t16 सॉल्व करके आएगा 5। तो जो यहां पर 5 आया, ये 5 क्या डिनोट कर रहा है ये मैं पूछ रहा हूं अब। हाँ, अगर यहां पर ये 5 आया t16 का क्या मतलब है, हमने नंबर ऑफ रो को n माना था, यानी अगर हम नीचे से काउंट करेंगे तो 16th वाली रो में जो नंबर ऑफ लॉग होंगे वो इतने होंगे। क्लियर है, T16 का मतलब है ये सारे जो तुम्हें नंबर दिख रहे हैं यहां पे क्या है, 20 19 18 क्या है, ये नंबर ऑफ लॉग को ही तो डिनोट कर रहे हैं। तो अगर हमने T16 निकाला वो 5 आया तो उसका क्या मतलब है, 16th रो में नंबर ऑफ लॉग 5 होंगे। अब एक काम तुम्हें करना है, और वो काम ये करना है तुम्हें यहां पे T25 भी निकालना है जानने के लिए कौन सा सही होगा नहीं होगा। T25 निकलेगा a प्लस
24d a यहां पर है 20 और कितना आ जाएगा ये d लगाओगे माइनस वन कितना आ रहा बेटा सॉल्व करके। तो देखिए ये जो डेटा आया ये डेटा गलत है ना क्योंकि यहां पर हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ लॉग नेगेटिव कैसे होंगे इसका मतलब है सही वैल्यू जो होगी वो 16 होगी 25 एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था कितनी रो में इतने लॉग को प्लेस करा जाएगा और सबसे टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रोज लास्ट में लिखा भी जाता है ये सब टोटल नंबर ऑफ रोज जो निकली हैं वो कितनी निकली है 16 और T16 अगर 5 आया तो इसका मतलब है सबसे टॉप मोस्ट रो में नंबर ऑफ लॉग कितने होंगे 5। लिखो इसके बाद एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो जो पूछा जाता है लास्ट में जरूर लिखें आप नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो इज इक्वल टू 5। सबसे ऊपर वाली जो रो बनेगी तो भी काउंटिंग नीचे से हो रही ना उसमें नंबर ऑफ लॉग होंगे 5। क्वेश्चन क्लियर। ये वाला स्टेप इसे मल्टीप्लाई करा है ये वाला स्टेप अच्छा ये वाला स्टेप हाँ तो इन दो टर्म को यहां ले गए ना हम इनको यहां शिफ्ट करोगे ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा इधर जीरो हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़े बेटा लो बेटा जो नोट करने से रह गया है इनको नोट करिए आप। ओके तो लास्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन नंबर 20 इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 meters फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 meters अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन देयर आर 10 potatoes इन द लाइन। तो कंडीशन क्या दे रखी है पोटैटो रेस में जो बकेट है इसे स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लेस किया जाता है एंड डिस्टेंस ऑफ बकेट फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो इज 5 meters। ये यहां पे जो है ये बेटा फर्स्ट वाला पोटैटो है और फर्स्ट पोटैटो की जो डिस्टेंस बकेट की जो डिस्टेंस फर्स्ट पोटैटो से है ये तो हो गई 5 meters। इसके बाद जो नेक्स्ट पोटैटोज हैं वो 3 meters की डिस्टेंस पर एक ही स्ट्रेट लाइन में प्लेस किए गए हैं। ठीक है अब करना क्या है ये जानते नीचे और कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट बकेट से ये स्टार्ट करनी है रेस पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो। तो सबसे पहला वाला जो पोटैटो यानी नियरेस्ट जो है उसे पिक करना है पिक करने के बाद वापस लाके इसे कहां डाल देना है बकेट में डाल देना है। समझ में आ गई कहानी। फिर इसके बाद क्या करना है इसी तरह से सेकंड पोटैटो को पिक करना है लाके बकेट में डाल देना है थर्ड को पिक करना है एंड सो ऑन। तो हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन सभी पोटैटोस को इस तरह से पिक करने में टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी जाएगी या कितना दौड़ना पड़ेगा कॉम्पिटिटर को। आई थिंक क्वेश्चन सभी के लिए क्लियर होगा। तो ये देखिए बेटा अगर मान लो फर्स्ट पोटैटो को पिक करना है जैसे ये फर्स्ट पोटैटो की पोजीशन है
अगर इसे पिक करना है तो इसे पिक करने के लिए कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ेगा, यहां से लेकर यहां तक और इसे पिक करके यहां पे डालना है, यहां से लेकर यहां तक, यानी फर्स्ट पोटैटो को पिक करने के लिए डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी, 5 का डबल। ठीक है, इसे लिखते भी रहो बेटा। तो फर्स्ट पोटैटो को पिक करने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करी जाएगी वो होगी 2 × 5। ये भी लिखा करो, कुछ दिनों बाद ही कहोगे फिर ये 2 कहां से आ गया, याद तो रहेगा कम से कम कि 2 लिखा हुआ है, हाँ डबल डिस्टेंस हो रही है, फिर कहोगे 10 कैसे आया, हाँ तो भाई चाहिए था। इसके बाद सेकेंड पोटैटो को अगर पिक करना होगा तो इसके लिए कितनी डिस्टेंस होगी, देखिए बेटा यहां से लेकर यहां तक 5 + 3 हो गया है 8। फिर इसे पिक करा, वापस बकेट में लाके डाला, यानी इसे पिक करने के लिए कितनी, नो ऐसा नहीं हो सकता, आप अपना चेक करिए बेटा, बेटा मेरा ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? हाँ देखिए बेटा रेस्पॉन्स हमने बता दिया, अगर एक बार लेफ्ट करके फिर ज्वाइन करके देख लिया करो, कभी ऐसा हो जाता है ना। तो मैंने यहां पर ये पूरा लिख दिया बेटा 5 + 3, जैसे कि तुम रिवाइज करो एक दो महीने बाद तो क्लियर तो हो जाए कि ये क्यों आया, है ना, कि यहां से लेके यहां तक फिर इसका डबल। अब थर्ड पोटैटो को अगर पिक करना है तो इसके लिए कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करा जाएगा, यहां से यहां तक, यानी 5 + 3 + 3 और इसका भी डबल। जी लेकिन 22 ना लिख करके पहला स्टेप आप ऐसे लिखेंगे 2 ब्रैकेट में दिस, ठीक है, अब आएगा 22 मीटर। तो हमने यहां पर क्या करा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोटैटो को पिक करने में जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करी जाएगी वो निकाली, और अब हम इन डिस्टेंसेस को लिस्ट कर रहे हैं, ये देखिए 10, 16, 22 और एंड सो ऑन, ऐसे कितने पोटैटो हैं 10, यानी कि ऐसी कितनी टर्म बनेंगी 10 बनेंगी। तो हमने जब लिस्ट करा हमने देखा ये तो बहुत आसान है सम निकालना, क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है, एपी बन रही है, और ये हमने लगा दिया तुरंत फॉर्मूला सम को निकालने का। एन का मतलब यहां पर हो गया 10 पोटैटोस को पिक करना था, 10 हो जाएगा है, और ए जो है यहां पर वो भी आपका 10 है, यहां पर 10 - 1 हो जाएगा 9। कॉमन डिफरेंस देख लो बेटा कितना आ रहा है यहां पे सब में, कॉमन डिफरेंस आएगा 6 का, ठीक है। अब इसमें क्या रह गया, इसके बाद कुछ रह गया, सॉल्व कर लो यहां पे 20, 54 लीजिए 370 मीटर आ गया, है ना, कोई मुश्किल काम तो नहीं है ये, जब वैल्यूज पुट करनी है तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आ ही जाएगा 317 मीटर का, नोट कर लीजिए बेटा। तो यहां तक बेटा सबने कवर कर लिया, अच्छी तरह नोट कर लिया है, तो ये हमने कवर कर लिया इस लेक्चर में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चनों को, सारी एक्सरसाइज को, और इसके बाद हम यहां पर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से आरडी शर्मा के क्वेश्चन। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।